जितने लोग यहाँ हैं हीरो बन रहे पैसे बिना मतलब अरे नहीं भाई साहब बैठो बैठो बैठ जाओ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लगभग 4 घंटे के लंबे इंतजार के बाद फाइनली आ चुकी है वंदे भारत एक्सप्रेस। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इस वक्त मुझे कैसी फीलिंग आ रही है। ये पूरी ट्रेन इंडिया के अंदर बनी है, मेक इन इंडिया के तहत, और चेन्नई में ये बन करके तैयार हुई है महज 100 करोड़ के बजट में। अभी तक जो सुपरफास्ट ट्रेन आया करती थी उनका बजट लगभग 200 करोड़ होता था, यानी कि इसका दुगना, लेकिन 100 करोड़ के अंदर ये ट्रेन सिर्फ 18 महीनों के अंदर बनी है। ये बहुत बड़ी मिसाल है हमारी इंजीनियरिंग की। और आप इसे रोक सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूं अपने कोच की तरफ क्योंकि मुझे एग्जीक्यूटिव क्लास नहीं मिल पाया था, इतनी ज़्यादा मारामारी थी सीट्स की, और 17 तारीख से शुरू होनी थी लेकिन 19 की टिकट मुझे मिली। मैं चाहता था कि मैं 17 को ही बुक करा दूं लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मुझे जो सीट मिली है हालांकि वो विंडो सीट है लेकिन वो एग्जीक्यूटिव क्लास में नहीं है। तो एक बार चल के वहाँ देखते हैं कि किस तरीके की सीटिंग प्लान्स हैं और क्या फैसिलिटीज़ वहाँ दी गई हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत अच्छा था एग्जीक्यूटिव क्लास में। अभी मैं आ गया हूँ C4 में अपने कोच में और मेरी सीट है 75। वंदे भारत में सभी यात्रियों का स्वागत है। कृपया सभी से अनुरोध है जो लोग बिठाने आए हैं, जो अपने साथियों को बिठाने आए हैं, वो गाड़ी से बाहर ही रहे क्योंकि गाड़ी चल जाने के बाद उसका दरवाजा नहीं खुलता है। कृपया वो लोग बाहर ही रहे। अभी एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, 2 अननोन बैग हैं हमारी ट्रेन में और पता नहीं वो किसके हैं, और भी सिक्योरिटी बार बार यहाँ आ रही है। मैं वैसे भी नहीं ये लोग बैठे हुए हैं, आप में से किसी का है, किसी का ये बैग है यहाँ, किसी का बैग है? हाँ सिक्योरिटी स्टाफ ही कम से कम छेड़े आप, हम लोगों में से किसी को नहीं छेड़ना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। उठाओ अगर आप सबको इससे दिक्कत है। हाँ राजेंद्र आइए उठा ले भाई, हम इसको ही पकड़ लीजिए और इधर बीच में रख लीजिए। आइए दो बैग है, ये भी है क्या? हाँ ये दो है, ये खतरनाक चीज है। नहीं सर आप जानते हैं किसका बैग, आपने कैसे उठा लिया? आपने तो टच भी कर लिया, उसको टच भी नहीं करना। सबसे पहले किसने पॉइंट किया था मैंने बताया। हाँ तो फिर आपको आपको बैठना उछल रहे हो यार, शांति से बैठो ना यार, आराम से शांति से। एक मिनट आपको सर कैसे बनी हुई आपकी सिक्योरिटी कैसे बनी हुई हमारी सिक्योरिटी कम्प्रोमाइज हो रही है, जितने लोग यहाँ हैं उनकी भी सिक्योरिटी कम्प्रोमाइज हो रही है, सभी की सिक्योरिटी कम्प्रोमाइज हो रही है। आप ऐसे दो तीन नहीं, अगर अगर बैग है तो उसमें सभी की सिक्योरिटी कम्प्रोमाइज होती है ना, कितने सारे पैसेंजर थे आपकी, सभी की होती है, सभी की सिक्योरिटी कम्प्रोमाइज होती है। ज्यादा मत बोलो ठीक है ना, ज्यादा बोल रहे हो आप, प्लीज प्लीज। हीरो बन रहे पैसे बिना मतलब, कभी आप इतने हीरो क्यों बन रहे हो? नहीं उनका हो सकता है, वो उनका अपना है, छोड़ दीजिए। आप ज्यादा ऑर्डर मत दीजिए, आप कौन हो? आप बात मत कीजिए, कौन हो भैया? अरे आप आराम से बैठो, अरे शांति रहिए, बात मत करो। हमें सिखाओगे क्या आप? हम अपना बात करें, आप कौन चौधरी इसके अंदर बुलाया उसे, हमें बताओ कैसे नीचे बैठ। अरे नहीं भाई साहब बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये वो महोदय हैं कि जिनका बैग था, इन्होंने बैग अपना फाइनली अपनी जगह पर रख दिया है, सिक्योरिटी जा चुकी है वापस,
और शांति का माहौल दोबारा से कायम हो चुका है पूरी ट्रेन के अंदर। लस्सी है मैंगो फ्लेवर की, अमूल की। मैंगो फ्लेवर मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया, सो आज करता हूँ। कानपुर पहुंच जाती है ठीक 10:18, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि वो और भी 15 मिनट पहले पहुंचती है। उसके पीछे एक वजह है, वो वजह ये है कि जो ब्रेकफास्ट होता है वो लाया जाता है दिल्ली से, उसके बाद में कानपुर इसको पहले इसलिए पहुंचना होता है क्योंकि कानपुर से लोड होता है इसमें लंच, तो कानपुर ये वक्त से पहले पहुँचती है और ऑन टाइम यानी कि 10:20 पर कानपुर से चल देती है। प्रयागराज ये पहुँचती है अपने ऑन अराइवल टाइम यानी कि 12:23 और ठीक 12:25 में वहाँ से चल देती है और वाराणसी पहुँच जाती है ठीक 2:00। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस की जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की जा चुकी है, लेकिन जो इंडियन ट्रैक्स हैं वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा स्पीड को नहीं झेल सकते हैं। इसीलिए मैंने देख रहा था आज मैं लाइव एप्लीकेशन पर जो कि जारी किया है IRCTC ने, तो उस पर मुझे पता चला कि जो एवरेज स्पीड रहती है, जो मैक्सिमम स्पीड रहती है वो रहती है 130 किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन उसके बाद भी जो ट्रेन है वो ऑन टाइम रहती है सारे डेस्टिनेशंस पे। उससे चीची जिसने मुझे उत्साहित किया वो ये थी कि जिस भी स्टेशन से हम लोग होकर के गुजर रहे हैं वहाँ लोग अपने मोबाइलों के साथ इसके फ़ोटो ले रहे हैं, अपनी सेल्फीज़ ले रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, और ये न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे रास्ते यही होता रहा है दिल्ली से लेके अभी मैं प्रयागराज हूँ यहाँ तक। अब अगर मैं फेयर की बात करूँ तो दिल्ली से वाराणसी तक का फेयर है 1760 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास का फेयर है 3310 यानी के 3310 रुपीज़। वाराणसी से जब आप दिल्ली आते हैं तो आपको देना पड़ेगा 1700 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए आपको देना पड़ेगा 3260 रुपये। वहीं दिल्ली से कानपुर अगर आप जा रहे हैं तो आपको 1090 रुपये खर्च करने होंगे और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए आपको देना पड़ेगा 2105 रुपये। वहीं अगर दिल्ली से प्रयागराज की बात करें तो 1395 रुपये आपका खर्चा आएगा और एग्जीक्यूटिव क्लास आपको पड़ेगा 2750 रुपये में। कानपुर से प्रयागराज काफ़ी सस्ता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए 595 रुपये आपको खर्चने होंगे कानपुर से प्रयागराज के लिए और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए आपको देना पड़ेगा 1170 रुपये। कानपुर से वाराणसी की अगर मैं बात करूँ तो 1020 रुपये आपको चुकाना पड़ेगा और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए वही रेट हो जाता है 1815। खाना जस्ट अभी सर्व हुआ है और लंच आया है पिंड बलूची से, तो देखते हैं क्या है अंदर। यहाँ है कोफ्ते, कोफ्ते की सब्ज़ी है, ये दाल है, ये मिक्स वेज है और ये है गुलाब जामुन, यहाँ है राइस और ये है चपातियाँ, दही भी साथ में दिया है। तो
तीन तरीके की सब्जी, मीठा और दही, रोटी भी है, चपाती भी है, और क्या चाहिए, तो बेस्ट रहेगा। जो डोर दिए गए हैं इस ट्रेन में ये ऑटोमेटिक हैं, अगर ये एक बार लॉक हो जाते हैं तो बीच रास्ते में खुल नहीं सकते। तो दोनों गेट के ऊपर एक एक कैमरा लगा हुआ है, कौन पैसेंजर आ रहा है, कौन पैसेंजर जा रहा है, वो ट्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अंदर कोच में भी दो कैमरे हैं और पूरे कोच में स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, जिससे कि कोई स्मोक करे टॉयलेट में जाके, जैसा कि लोग किया करते थे, तो वहाँ से भी पता चल जाएगा कि कोई स्मोक कर रहा है। एक ज़बरदस्त चीज़ और है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ दो कोचेस मिल रहे हैं, वहाँ इन्होंने उस चीज़ को कवर कर दिया है, मतलब कि वो दिखता नहीं, पहले से शोर नहीं आता उससे कि ये दो कोच हैं, अलग अलग हैं, तो वो सारा शोर गुल जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। इंडिया की ये पहली बिना इंजन वाली ट्रेन अपने अंदर बहुत सी खूबियाँ लेकर के आई है, और मेरा डेस्टिनेशन आने वाला है वाराणसी, तो मुझे आपसे लेनी होगी बधाई। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको इससे कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग जान सकें कि किस तरीके की सुविधाएं इस ट्रेन में मिलती हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, वंदे मातरम।